अभी हम गाड़ी के दूसरे साइड हैं। इधर आप देख सकते हैं बॉश का इनलाइन पंप, उसके नीचे एक और पंप है जो एयर निकालने के लिए काम आता है। ये आप ऑयल फिल्टर देख रहे हैं, सॉरी डीजल फिल्टर। ये प्राइमरी फिल्टर है, उसी के जस्ट सेकेंडरी फिल्टर, ये वाटर सेपरेटर, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ये ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर। बगल में इसकी इंजन ऑयल डिपस्टिक है येलो कलर की। ये स्टेयरिंग का हाइड्रोलिक सिस्टम है, पावर स्टेयरिंग। मैसी की और एक बढ़िया बात है, इसमें पाइपलाइन बहुत फिनिशिंग के साथ दी गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जमे जमाए हैं, कोई भी पाइप इधर उधर नहीं है, और ट्रैक्टरों में इधर उधर रहता है। इसका रेडिएटर कॉपर मेश रेडिएटर है। ये इसका क्लच पैडल है, ड्यूल क्लच है। फोर्टी सेवन लीटर का डीजल टैंक मिलता है। ये डीजल फिल करने के लिए कैप इधर लॉक है भी, ये रेडिएटर कैप। इसमें अलग से कूलेंट बॉक्स नहीं दिया है, उसी में मिक्स करना पड़ता है। चलिए हम कैबिन की तरफ चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ फुट स्टब दिया है, काफ़ी मजबूत। हमने इसमें मैट लगा दिया काफ़ी प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या आप इसकी ड्राइवर सीट देख रहे हैं जो कि बुलेरो से इंस्पायर है, और बुलेरो की सीट है, फ्लेक्सिबल सीट है, ड्राइवर को वर्क करने में इजी होता है, कंफर्टेबल है, लंबे टाइम तक काम कर सकता है। अभी हम कैबिन में एंटर हो रहे हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं डिजिटल क्लॉक है, बगल में यूटिलिटी बॉक्स है वाइट कलर का जो कि जुगाड़ करके हमने बनाया है, जॉन डियर की कूलेंट टैंक है। बगल में फायर एक्सटिंग्विशर रखने के लिए जगह है, फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म है इसलिए हमने पेंट कैन रख दिया। अभी उसी के नीचे हमारा स्पीकर, होममेड तरीके से हमने बनाया है इसे। चलिए ऊपर रूफ में चलते हैं। इधर आप देख रहे हैं एक और स्पीकर है, फैन, बुलेरो का ORVM, ये रीडिंग लाइट, ये मदर मैरी,
फैन का स्विच काफी कूल एयर देता है। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड में। आप देख सकते हैं इसका मीटर कंसोल काफी अट्रैक्टिव स्पोर्टी लुक है। ऑयल प्रेशर गेज, बैटरी एम्पेयर गेज, ये इधर इंडिकेटर के पैनल है, ये किलोमीटर कम आरपीएम मीटर है, इसकी डिजिटल एमआईडी। आप देख सकते हैं इधर बैटरी का इंडिकेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों पैरल चालू हो गए। वाटर टेम्परेचर गेज, फ्यूल गेज, आ जाते हैं इसके स्विच की तरफ। ये हैजर्ड लाइट का स्विच है, ये इसकी स्विच काफ़ी स्टाइलिश है, कार की तरह ऑपरेट करने में इजी है। इसी में साइड में हॉर्न दे दिया है। ये हैंड थ्रॉटल है, थ्रेसर और भी इम्प्लीमेंट चलाने में काम आता है। ये 12 वोल्ट का चार्जर है। आफ्टर मार्केट हमने इसे लगवाया है, पहले कंपनी नहीं देती थी। 2013 के बाद जो मॉडल हैं उनमें कंपनी लगा के दे रही है। इसका की होल की लगी हुई है। ये एक्सटर्नल स्विच, इसका म्यूजिक सिस्टम महिंद्रा का कैनवुड का है, स्पेशली बुलेरो में यूज होता है। छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स, कस्टम बिल्ड है होममेड तरीके से। आगे एक और यूटिलिटी बॉक्स हमने बनाया है थोड़ी बहुत स्पेस के लिए। आ जाते हैं हम इसके असली साइड शिफ्ट के तरफ, जो मैसी बोलता है साइड नहीं तो सही नहीं। ये इसका गियर लीवर, इसका सेलेक्टर लीवर है, इसका पीसी लीवर, ट्रांसपोर्ट वाल्व अभी लॉक पोजीशन में, इसलिए आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट नीचे नहीं जा रहा। इसका डीसी लीवर, ड्राफ्ट कंट्रोल, तो पार्किंग ब्रेक काफी स्टाइलिश है कार की तरह। थोड़ा सा हमने यूटिलिटी बॉक्स बनाया है जुगाड़ करके होममेड तरीके से। या पीटीओ लीवर देख सकते हैं, ऑन ऑफ यहीं से होता है, कंट्रोल यहीं से होता है। मैसी में बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। 2013 के बाद जो मॉडल आ रहे हैं कुछ मॉडल में लगा के दे रही है और कुछ मॉडल में नहीं है। साइड व्यू, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट रखने के लिए, एक्स वगैरह जैसे आप देख सकते हैं, पेड़ वेड़ हटाने के काम आता है। हैंगर बनाया है होममेड तरीके से, कस्टम बिल्ड है सेल्फ। ये थोड़ी सी डॉक्यूमेंट कंपार्टमेंट, ये फैक्ट्री फिटेड है, लगे लगाए आती है। चलिए इसका टूल बॉक्स देख लेते हैं। फैक्ट्री फिटेड टूल बॉक्स है,
स्टूल भी भरे हैं। चलिए अब हम इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्टल क्लियर वॉइस है। टोटल 5 स्पीकर सिस्टम हमने इसमें इंस्टॉल किया है। यह इसके की एसयूवी वाली की है, बोलेरो से इंस्पायर फ्लिप की है सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक हो जाती है। चलिए देखते हैं। ये गाड़ी हो गई लॉक। अब जैसे ही कोई इसके पास जाता है टच करता है, आप देख सकते हैं अलार्म बज गया। अब इसे हम अनलॉक कर देते हैं। आफ्टर मार्केट हमने इंस्टॉल किया इसे। साउंड सिस्टम देख लेते हैं। वॉइस आप सुनिए कितनी क्लियर वॉइस है। आइए हम इसके मिरर के बारे में बात करते हैं। ये फैक्ट्री फिटेड मिरर है जो काफ़ी छोटा है, व्यू कम मिलता है, इसीलिए हमने इसमें एक्सटर्नल मिरर लगाया है। आप देख सकते हैं ये राइट साइड में टाटा 912 पिकअप ट्रक के हैं। ऐसे ही लेफ्ट साइड में ऊपर 2 छोटे मिरर महिंद्रा अल्फा के हैं। ये आप देख ही चुके हैं बुलेरो का ORVM स्पेशली डिजाइन है। बुलेरो से और महिंद्रा के स्कॉर्पियो 2 गाड़ी से इंस्पायर होगी ये गाड़ी। कस्टम बिल्ड की गई है। वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। क्योंकि ये सब बिल्कुल होममेड तरीके हैं। थैंक यू।